कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, ये याद रखना. एंड यू शुड बी रेडी. हाँ जी, समझे ना आप. एज अ होल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको ट्राई करना चाहिए. मैं आप सबको बोलता हूं, डरना मत. फेलियर से डरने का नहीं. 45 साल से खड़ा हूं इधर मैं. अगर डरता ना तो यहां खड़ा नहीं रहता. समझा ना, सही बात है ना. टेंशन नहीं लेने का. सर एज अ होस्ट कोई तकिया कलाम है आपका इसमें? मानता हूं तेरी पसंद को फादर. बिग बॉस को तूने पसंद किया. मस्का मस्का एकदम झाका. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. एक बिग बॉस की जो होस्ट इमरान खान ने एक बेंचमार्क सेट किया है. हाँ जी. उसको मतलब मेंटेन करने का या सरपास करने का आपको लगता है चैलेंज या प्रेशर रहेगा? बिकॉज आप बहुत कंपेटिटिव हैं. देखिए, क्या नाम है आपका? उपमा. उपमा मेरे को बहुत पसंद है. थैंक यू सर. ये मेरा फेवरेट था क्योंकि वो क्या होता है, एक रीजनेबल प्राइस भी होती है उसकी. इडली डोसा और थोड़े बहुत ज्यादा पैसे दो तो उपमा खाता था. नाइस टू मीट यू उपमा जी. और आपने मुझसे कहा कि उनका स्टाइल है, उनका सब कुछ है. क्या बोला मैंने जैसे शुरू किया था कि ही इज इररिप्लेसेबल. एम आई राइट रॉन्ग? सो एम आई. बट ट्रोलिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ नाउ. You know, it's part of the social media, and you know, and you have to face it. And कितने examples हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जब मैंने जो जो मैंने काम किया आज तक, तो और जब digital format आ चुका था उसके बाद, आप तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं. मैंने ऐसे ऐसी चीज़ें की हैं अपने लाइफ में, अपने करियर में, जो मैं हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया के मशहूर मन मैंने बताया कि फनकार लोगों के साथ और उनका मैंने रोल किया. तो इमेजिन कर लो कि मेरे पे कितना प्रेशर होगा जो दुनिया में मशहूर है. और मैंने अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत, अपनी ऑनेस्टी से काम किया. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन पॉजिटिव. एक दो चीज़ें नहीं भी चली, नहीं चली तो आगे बढ़ के मैंने दूसरी चीज़ें की, फिर तीसरी चीज़ें की. इसलिए मैं जैसे कि कहा कि ऐसे ही नहीं बैठा हूँ 45 साल से, कुछ तो ठीक किया है मैंने. करेक्ट है कि नहीं करेक्ट? सही बात है ना.